अमर बेटी हमर मान अभियान के तहत दुर्ग पुलिस स्कूली छात्राओं को सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी रखने सहित आत्म सुरक्षा के गुर सिखाने स्कूल पहुंची। हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत दुर्ग पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के निर्देशन में स्कूल कॉलेज पहुंचकर छात्राओं को आत्म सुरक्षा के गुर के साथ उन्हें सोशल मीडिया के उपयोग में सावधानी रखने के तरीके बताए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक IUCAW मीता पवार के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक IUCAW शिल्पा साहू एवं रक्षा टीम द्वारा तुलाराम आर्य कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पहुंचकर छात्राओं को सुरक्षा के संबंध में टिप्स और कानून के बारे में जानकारियां दी गई, साथ ही हेल्पलाइन नंबर अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी गई। बता दें कि हमारी बेटियां हमारी शान है और वे प्रदेश के उज्जवल भविष्य की नींव हैं और इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। जिस समाज की बेटियां सुरक्षित एवं सशक्त हो वही समाज विकास के रास्ते पर आगे बढ़ता है। इसी उद्देश्य को लेकर दुर्ग पुलिस हमर बेटी हमर मान अभियान के तहत सैकड़ों की संख्या में उपस्थित छात्राओं ने अपनी जानकारियाँ साझा की। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक IUCAW शिल्पा साहू ने न्यूज टीम के समक्ष इस तरह की प्रतिक्रिया दी। जी हमारा जो फोकस है वो बिल्कुल बच्चियों की सुरक्षा को देख के है, और आज चूंकि स्कूली छात्राओं को आज जो हम संबोधित करने आए थे, उनसे बात करने आए थे, तो हमारा पहला फोकस था कि आज के समय में सोशल मीडिया को किस तरीके से हैंडल करना है, अपनी डेटा की प्राइवेसी किस तरीके से मेंटेन करना है, चाहे वो फोटो शेयरिंग से लेके अपनी डिटेल शेयरिंग तक हो। उसके अलावा प्रयास ये था कि अपनी आत्म सुरक्षा पे कैसे ध्यान देना है, किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें जो उनके रेगुलर यूजेस में रहती हैं, उनके पास हमेशा कैरी रहती हैं, तो उनका उपयोग बिना अपने आपको जो है कमज़ोर बनाए कैसे उपयोग करना है अपने आप को छुड़ाने के लिए, तो इसके बारे में जो है बच्चों को बताया गया था। लगभग हर क्षेत्र के स्कूलों को हम टारगेट कर रहे हैं, प्राथमिकता प्राय हम जो लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र में भी हम जो है फोकस कर रहे हैं, और सभी स्कूलों में जो है चूंकि अभी बीच में छुट्टियां थी गर्मी की और अभी जो है नया सेशन स्टार्ट हुआ है, तो ये कार्यक्रम अभी भी जारी रहेगा। और आउटपुट की बात रहे तो हमारी सफलता तभी हम देखते हैं जैसे ही हम प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, तो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद बच्चे अपने डाउट पूछते हैं, कुछ ऑन टाइम पूछते हैं प्रोग्राम के ड्यूरेशन में ही, और कुछ जैसे ही प्रोग्राम ख़त्म होता है तो जैसे ही हम निकलते हैं तो हमसे बच्चियाँ जो है मिलती हैं और अपनी पर्सनल बातें जो है कुछ उनको समस्या वो शेयर करती, तो कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि हमारा जो प्रोग्राम था वो सफल रहा कि उनके मन में डाउट आया और कुछ जिज्ञासा आई और वो हमसे पूछे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।